दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आज मैं आपको चार ऐसे पॉइंट बताऊंगा। इस चारों पॉइंट को अगर तुमने एक एक करके फॉलो कर लिया या फिर इसके अंदर से एक भी पॉइंट को अगर तुमने फॉलो किया तो आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन जाओगे। अगर आप आज की वीडियो मिस कर दिया और ये चारों पॉइंट को मिस कर दिया तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी हेलो गाइस इधर हम जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे कर लो, फिर भी आपका ब्लॉग वायरल नहीं होगा, आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मुद्दा है, क्योंकि देखो मैं एक ब्लॉगर हूं और एक ब्लॉगर दूसरा ब्लॉगर को यहाँ पे नॉलेज दे सकता है। एक साइंस का स्टूडेंट एक साइंस का टीचर से पूछ सकता है, मुझे ये वाला प्रॉब्लम हुआ है, मुझे सॉल्व करके दो। तो इसलिए भाई ये वाला वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका हेल्प हो जाए। मतलब आपको ये नहीं करना होगा हेलो गाइस मैं इधर आ गया, मतलब इतना मेहनत आपको नहीं करना होगा अगर आपने इस चारों पॉइंट को अगर तुमने ध्यान से सुन लिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक यहां पे एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है? मार्केट। ये मार्केट का चीज मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, ये जो पॉइंट मैं बताऊंगा, ठीक है, ये मार्केट का हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में। मार्केट, आपको सबसे पहले मार्केट देखना होगा, आखिर यूट्यूब के अंदर क्या चल रहा है। अगर एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अगर तुम गर्मी का सीजन में ठंडी का कपड़ा बेचोगे तो आपके पास कोई भी कस्टमर नहीं आएगा ना, क्योंकि आप यहाँ पे उल्टा चीज बेच रहे हो। तो आपको सही चीज आपको बेचना होगा, उसके बाद ही आपके पास कस्टमर आएगा। ऐसे होता है यूट्यूब, आपको सही सलामत आपको यहाँ पे ढूंढना होगा आखिर यूट्यूब के अंदर क्या चल रहा है, उसके बाद ही आप यहाँ पे सक्सेसफुल ब्लॉगर बन पाओगे। तो गाइस वो मुझे पता है आपको क्या करना है ताकि गाइस आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन जाओगे। और ये जो मार्केट का हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कौन सा पॉइंट है जिसको फॉलो करने के बाद आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बने जाओगे 100%। चार नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है मैरिज। आपको शादी करना है। आप लोग बोलोगे भाई तू तो पागल तो नहीं हो गया यार, शादी करने के बाद क्यों बोल रहे हो? देखो यार, मैं आपको सच्ची बताऊंगा, ठीक है, जो चीज बताऊंगा मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। अगर आप शादी करोगे, भगा के शादी करोगे, तो आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन जाओगे। तो अभी आप लोग बोलोगे भाई हमको प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। देखो, एक यूट्यूबर है जिसका नाम है डांसर सनातन, इसका चैनल के अंदर व्यूज ही नहीं आ रहा था, जब इन्होंने शादी किया, भगा के शादी किया, उसके बाद भाई इसका चैनल के अंदर मिलियंस पे व्यूज आना शुरू हो गया। आज से लगभग एक साल हो गया भाई, मिलियंस पे व्यूज आना शुरू हो गया और उनका जो सब्सक्राइबर भाई इतना जल्दी से ग्रो हो रहा था, आपको बता नहीं सकता हूं। ऐसा सेम चीज मनोज दे ने किया, उन्होंने शादी किया, भगा के शादी किया। देखो, मनोज दे का जो यहाँ पे वाइफ है उसका चैनल के अंदर व्यूज ही नहीं आ रहा था, जब शादी किया भगा के, भाई मिलियंस पे व्यूज उस टाइम पे, और इतना व्यूज आ रहा था जो देखने के बाद शायद से गाइस आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। मुझे पता है आप लोग देखा होगा अगर आप लोग उसका फैन हो तो। गाइस आपको शादी करना होगा, अगर आप शादी करोगे तो ही आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन पाओगे। और ये पॉइंट अगर आप लोग फॉलो करोगे तो भाई आप अच्छा खासा एक ब्लॉगर बन जाओगे। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट आपको नहीं फॉलो करना है तो गाइस आप लोग तीन नंबर पॉइंट को फॉलो कर सकते हो। तीन नंबर पॉइंट है गाइस आपको मीटअप करना है, मतलब आपको मीट करना होगा। किसके साथ मीट करना होगा? जो छोटे यूट्यूबर है, जो छोटे यहाँ पे सेलिब्रिटी है, उसके पास आपको नहीं जाना होगा। जिसके पास अच्छा खासा ऑडियंस है, उसके पास जाने के बाद आपको फायदा होगा, आपको उसी के पास जाना होगा, उसी के पास जाके आपको ब्लॉगिंग करना होगा। हाय गाइस, आज हम आ गया मनोज का घर के सामने। हाय गाइस, आज हम आ गया सौरभ जोशी का घर के सामने। हाय गाइस, आज हम आ गया लुल्लू भाई के सामने। मतलब गाइस आपको ऐसे करके ब्लॉगिंग करना होगा। अदरवाइज अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हो ना, आप कितना भी मेहनत कर लो यूट्यूब के अंदर, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग पे आपको कोई नहीं देखने वाला है। क्योंकि जितना भी सारा ब्लॉगर है वो सबसे पहले अपने ऑडियंस को इकट्ठा किया था दूसरा चैनल के अंदर, चाहे मनोज दे चाहे सौरभ जोशी, उनका आर्ट चैनल था और मनोज दे का टेक चैनल था। जो ब्लॉगर है उनका पहले से यहाँ पे ऑडियंस था, उसी की वजह से गाइस वो जब ब्लॉग अपलोड करते थे स्टार्टिंग के समय उसके पास ऑडियंस आते थे और उसका व्यूज आते थे। अगर आप यहाँ पे जीरो है, आपको कोई नहीं पहचानता है और आप यहाँ पे हेलो गाइस हम ये कर रहा हूँ, तो भाई आपको कोई देखने नहीं वाला है। तो अगर आपको लॉन्ग ब्लॉग बनाना है तो गाइस आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग के समय आपको मीट करना होगा बड़े बड़े क्रिएटर के साथ, ताकि उनका ऑडियंस आपके पास आए। ये चीज आप लोगों को मैं क्लियर तरीके से समझा दिया। आपको तीन नंबर पॉइंट को फॉलो करना है अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हो, वो भी लॉन्ग ब्लॉगर, तो आपको फॉलो करना चाहिए डेफिनेटली। सो गाइस, नंबर टू में जो पॉइंट है वो है स्वैप। आपको स्वैप करना है। अभी आप लोग बोलोगे भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं भाई, गाड़ी वगैरह कैसे हम स्वैप करूंगा? देखो, स्वैप आपको करना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो गाइस लास्ट में जो चीज बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखते हुए यहां पे चलना होगा, उसके बाद ही आप ब्लॉगर बन पाओगे जीरो, जैसे मैंने ब्लॉगर बना था।
तो अगर आपके पास यहाँ पे स्वाप करने का चीज है तो आपको स्वाप करो गाइस, आज हम यहाँ पे बंगला खरीद लिया, आज हम यहाँ पे गाड़ी खरीद लिया, आज आईफोन खरीद लिया, आज फोन खरीद लिया, आज इसके पास चला गया, मतलब आपको स्वाप करना होगा। अगर आप स्वाप करोगे तो भाई आपके पास ऑडियंस आएगा, क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे दिखावा चीज यहाँ पे देखने के लिए आता है। तो आपको तो ये वाला डायलॉग पता है, जो दिखता है वही बिकता है, तो गाइस आपको दिखाना होगा उसके बाद ही आप बिकोगे। तो गाइस ये चीज मैं आपको क्लियर करवा दिया, आपको यहाँ पे स्वाप करना होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चले जाओ बड़े बड़े घर के सामने जाके बोलो गाइस आज हम बंगला बना लिया, आज हम ये बना लिया, आज हम ये कर लिया, तो उसके बाद आपके पास ऑडियंस आएगा। एंड ये अगर कर नहीं पाते हो तो भाई लास्ट में जो चीज बताऊंगा वो आपको करने के बाद गाइस आपको सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे गाइस मैं एक ब्लॉगर बन चुका हूँ जीरो से, क्योंकि ना ही मेरे पास कुछ अच्छा चीज था, ना ही मैं स्वाप कर सकता था, ना ही कुछ कर सकता था, एकदम जीरो से मैंने उठा। एंड जीरो से उठने के बाद आज मैंने यहाँ पे 1 मिलियन ब्लॉगर यहाँ पे बन चुका हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वो चीज क्या है। देखो जितना भी सारा चीज मैं आपको बताया, ये 3 पॉइंट मैं आपको बताया, दिखावा करना है, उसके बाद आपको मीटअप करना है, उसके बाद आपको शादी करना होगा। अगर ये तीनों चीज आप नहीं कर पाओगे तो गाइस ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया था मार्केट का हिसाब से, तो आपको यहाँ पे मार्केट को फोकस करना होगा। आखिर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, देखो सच बताओ तो अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आप इस समय यहाँ पे लॉन्ग वीडियो बनाना बंद कर दो, क्योंकि अभी के समय में यहाँ पे शॉर्ट ज्यादा चल रहा है। शॉर्ट्स मतलब मिनी ब्लॉग, जिसको मैं देखता हूँ भाई मिनी ब्लॉगर भाई कम समय में यहाँ पे ग्रो कर लिया। अगर आप स्टार्टिंग पे यहाँ पे लॉन्ग ब्लॉग डालोगे तो भाई आपका ब्लॉग कोई नहीं देखेगा अगर आप नया हो तो। अरे अगर आप नया हो तो आप शॉर्ट डाल रहे हो मतलब मिनी ब्लॉग डाल रहे हो तो गाइस आप पे एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हो गाइस, जैसे मैंने बना। कैसे देखो यार यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लॉन्ग वीडियो डालोगे तो लॉन्ग वीडियो पे आपको थंबनेल यूज करना होगा। एंड थंबनेल जब यूज करोगे तो वो वाला वीडियो जब यूट्यूब ब्राउज फीचर में भेजेगा 2-4-5 बंदे के पास, तो स्टार्टिंग में जब बंदा देखेगा भाई इनका वीडियो के अंदर व्यूज ही नहीं है तो हम इसको क्यों देखेंगे। या फिर लोग भाई अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करता है, वो 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो यहाँ पे घिचा घिचा के कौन देखेगा इतना बड़ा लॉन्ग ब्लॉग जो आपको नहीं पहचानता है, ठीक है। तो गाइज आपको क्या करना होगा, आपको मिनी ब्लॉग बनाना होगा। मिनी ब्लॉग के अंदर क्या करना होगा, आपको 1 मिनट के अंदर आपको पूरा ब्लॉग कंप्लीट करना होगा। जैसे मैं खुद करता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो भाई देखो मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है शुभपाल ब्लॉग। तो गाइज अगर आपको जानकारी चाहिए तो जाके आप लोग मेरा चैनल को विजिट करो, उसके बाद आपको आइडिया चला आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिनी ब्लॉग डालना होगा मेरे जान, क्योंकि मिनी ब्लॉग के अंदर क्या होता है 1 मिनट के अंदर पूरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाता है। एंड 1 मिनट का ब्लॉग के अंदर कोई आप लोग यहाँ पे खराब चीज नहीं इंक्लूड करोगे, ये तो मुझे पता है, क्योंकि 1 मिनट का ब्लॉग के अंदर आप लोग क्या ही बोलोगे, जो चीज बोलोगे वो अच्छा चीज ही तो बोलोगे। एंड अगर आप लॉन्ग ब्लॉग बनाओगे तो गाइस उसके अंदर ना जाने आप लोग क्या क्या घुसा दोगे, क्या क्या करोगे। तो भाई मैंने भी बहुत ज्यादा ट्राई किया था गाइस, 1 महीना मैंने लॉन्ग वीडियो डाला था, मतलब लॉन्ग ब्लॉग डाला था एकदम रेगुलर, मतलब गाइस मैंने 250 ब्लॉग डाल दिया था भाई, आप लोग सोच नहीं सकते। फिर भी गाइस मेरा एक भी ब्लॉग वायरल नहीं हो रहा है। लेकिन जब गाइस मैंने मार्केट को पता किया, मुझे पता चला यार अभी का समय में मिनी ब्लॉग ज्यादा चल रहा है, तो मैंने मिनी ब्लॉग ट्राई किया। मेरी इंस्टाग्राम देखो, मेरी फेसबुक देखो, मेरी यूट्यूब देखो, हर जगह मेरे मिलियंस पे लाखों में फॉलोअर्स है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा भाई आप लोग सबसे पहले मार्केट को पता करो, उसके बाद ही आप लोग सेल करो ये चीज। नहीं भाई अगर आप लोग उल्टा चीज करोगे तो भाई आपको व्यूज नहीं मिलेगा, आप सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। कितना भी हेलो गाइस कर लो, कितना भी ये कर लो, फिर भी आप यहाँ पे सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। जैसे गाइस मैंने बहुत मेहनत किया था भाई स्टार्टिंग के समय, भाई इतना ब्लॉग मैंने डाल रहा था, इतने ब्लॉग मतलब 250 ब्लॉग मैंने डाल दिया था, फिर भी गाइस मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा था भाई, 10-20 करके ऐसे करके व्यूज आ रहा था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के समय मुझे कोई नहीं पहचानता था यार, मतलब कोई मेरा फैन ही नहीं है, वो लोग मेरा क्यों वीडियो देखेगा जिसके पास वीडियो चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा भाई सबसे पहले आप लोग क्या करो, आप लोग मिनी ब्लॉग बनाओ। अगर आप लोग मिनी ब्लॉग नहीं बनाओगे तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, अलग चैनल बना के उसके अंदर मेहनत करके उसके बाद आप लोग ब्लॉग चैनल ट्राई करो। अगर आप नया हो तो आप लोग लॉन्ग ब्लॉग आप लोग मत बनाओ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। कितना भी गधा का जैसे काम कर लो फिर भी आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पे शॉर्ट डालना होगा। क्लियर मैं आपको करवा दिया, आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा हेल्प किया होगा। जितने भी सारा पॉइंट मैंने आपको बताया उसका जो अंदर जो नंबर 1 जो पॉइंट है गाइस, आपको यहाँ पे मिनी ब्लॉग डालना होगा। बार बार मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आपको मिनी ब्लॉग डालना होगा, मिनी ब्लॉग डालना होगा, मिनी ब्लॉग। मैंने खुद मिनी ब्लॉग डाल के आपके चैनल के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर।